Hi lovely viewers, how are you all? I hope that you all are doing really well in your life. First of all, it is my prime obligation to thank you all for liking as well as supporting our 100th video. It was liked and appreciated by many of you. So thank you so much once again for that. And the topic of today's video is homonyms. Now I think most of you people know what are homonyms. Homonyms are actually the words whose pronunciation or the words which sound similar, but in reality the meaning of these words are entirely different. ठीक है, कुछ ऐसे words जिनको जब हम सुनते हैं या जिनको हम बोलते हैं वो बोलने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके जो मीनिंग है वो बहुत ही डिफरेंट, वो बहुत ही अलग होते हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड फॉर द वर्ड्स. सबसे पहला जो वर्ड है that is access, accession and access. तो जो word access है, access मतलब approach. ठीक है, आपकी approach होना या आप किसी को मिल पाना, मतलब like we can say that. ठीक है, so इसके लिए जो sentence बनेगा that is it is very difficult to access prime minister. ठीक है, prime minister को मिलना बहुत ही मुश्किल है. इसी तरह से second जो word है that is accession. एक्सेशन का मतलब क्या होता है, कमिंग टू थ्रोन. थ्रोन मतलब जो राजे महाराजों की गद्दी होती है. ठीक है, तो जब उनको एक रैंक मिलता है तो दैट इज नोन एज एक्सेशन. ठीक है, एक राजे के बाद उसके अगर बेटे को वो गद्दी मिले, वो रैंक मिले, तो दैट इज एक्सेशन. ठीक है, सो एक्सेशन के लिए जो सेंटेंस बनेगा दैट इज एक्सेशन बाय द प्रिंस टू द थ्रोन इज हाईली लाइक्ड बाय सो मैनी पीपल. तो जो जब उसको गद्दी मिली, जब उसको रैंक मिला, वो बहुत लोगों ने पसंद किया. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेस. आई थिंक ये तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. एक्सेस का मतलब कि मोर देन डिज़ायर्ड, सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडेप्ट. ठीक है, सुनने में तीनों सिमिलर से लगते हैं, लेकिन इनके तीनों के मतलब एंटायरली डिफरेंट हैं. अडॉप्ट मतलब किसी चीज़ को अपनाना, टू टेक अप समथिंग. ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि वी शुड नॉट अडॉप्ट बैड हैबिट्स. ठीक है, बुरी आदतों को हमें अपनाना नहीं चाहिए. अडेप्ट क्या होता है, किसी चीज़ में ढल जाना. ठीक है, अपने आप को किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेना. ठीक है, सो वी कैन से दैट वी शुड लर्न हाउ टू अडेप्ट आवर सेल्फ इन द डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है, एंड जो थर्ड वर्ड है दैट इज अडेप्ट. अडेप्ट में ई आता है, एंड अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में. ठीक है, सो आप कह सकते हो दैट वी कैन से दैट रिया इज अडेप्ट इन डांसिंग. ठीक है, शी इज एक्सपर्ट इन डांसिंग. सो नेक्स्ट वर्ड जो आपका आता है, जो थर्ड वर्ड है, थर्ड होमोनियम्स हैं, दैट इज बर्थ एंड बर्थ. बर्थ आई वाला मतलब हमारा जन्मदिन. ठीक है, टू बी बॉर्न. तो वी कैन से दैट एग्जैक्ट बर्थ डेट कैन बी नोन फ्रॉम द बर्थ सर्टिफिकेट. ठीक है, एंड जो बर्थ है, जो ई वाला है, दैट इज सीट, ट्रेन की सीट. सो आई हैव बुक टू बर्थ्स फॉर माई जर्नी. ठीक है, सो जो नेक्स्ट है दैट इज ए, ए आई एल एंड ए एल ई. ए आई एल का मतलब होता है बीमार, सफ़र करना किस चीज़ से, अनवेल होना. ठीक है, सो यू कैन से दैट ही इज, ही हैज़ बीन एलिंग फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, वो बीमार है काफ़ी समय से. ठीक है, एंड जो नेक्स्ट है ए एल ई, ए एल ई का मतलब होता है एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक. ठीक है, जैसे शराब है, जैसे इसको एक्चुअली ये बियर है, अ टाइप ऑफ ड्रिंक है. तो एल का हो गया, वी कैन से दैट मोहन रेगुलरली विजिट एल हाउस इंस्टेड ऑफ द एडवाइस बाय हिज डॉक्टर. कि मोहन को बोला भी है डॉक्टर ने कि आपको ड्रिंक नहीं करनी है, फिर भी वो जो है ड्रिंक हाउस में चला जाता है. ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहे हैं वर्ड्स. ठीक है, सो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है दैट इज ऑल्ट्रेशन एंड ऑल्ट्रकेशन. ऑल्ट्रेशन क्या होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को चेंज करना. ठीक है, सो इसके लिए जो सेंटेंस बनेगा दैट इज ऑल्ट्रेशन टू द प्रोग्राम हैज़ नॉट बीन मेड येट. अभी प्रोग्राम में जो है वो चेंज नहीं आया. तो ऑल्ट्रेशन वर्ड इज कॉमन, हमें पता है. ऑल्ट्रकेशन क्या होता है, ऑल्ट्रकेशन होता है वर्डी क्वेरल. अब वर्डी क्वेरल का मतलब क्या है, ये भी डाउट आएगा. क्वेरल मतलब लड़ाई,
वर्डी मतलब जब हम कहते हैं कि जब मुंह जबानी लड़ाई होती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, तो दैट इज ऑल्टरकेशन. सो देयर वाज ऑल्टरकेशन बिटवीन माय ब्रदर एंड शॉपकीपर इन द मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज ब्रिडल एंड ब्राइडल. अब ब्राइडल बहुत कॉमन है. ब्राइडल मीन्स विच इज रिलेटेड टू द ब्राइड. ब्राइड मतलब दुल्हन. तो जो भी चीज़ दुल्हन के रिलेटेड होगी दैट इज उसको हम ब्राइडल के साथ एसोसिएट करेंगे. तो यू कैन से दैट द ब्राइडल ड्रेस वॉज वेरी कॉस्टली. और नेक्स्ट वर्ड आता है ब्रिडल. ठीक है, इसको कन्फ्यूज नहीं करना है. बी आर आई डी एल ई. ब्रिडल का मतलब क्या होता है? ब्रिडल मीन्स जो लगाम होती है घोड़े की. ठीक है, जिसको हम रेंस भी बोलते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हॉर्स विदाउट ब्रिडल. घोड़े को उसके लगाम के बिना कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है. या वी शुड कंट्रोल द ब्रिडल ऑफ द चाइल्ड. पहले ही बच्चे की लगाम जो है खींच के रखनी चाहिए, और इंडिया में ऐसे करती भी है लेडीज. ठीक है, सो जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज अपोजिट एंड अपोजिट. ठीक है, अपोजिट इज फ्रॉम ए एंड अपोजिट इज फ्रॉम ओ. तो दोनों ही कितने सिमिलर हैं. अपोजिट मतलब सूटेबल होना, कोई चीज़ अप्रोप्रिएट होनी, जैसे बताई जानी वैसे ही होनी. सो इसका सेंटेंस बन सकता है हिज रिमार्क अबाउट द करेक्टर ऑफ हिज फ्रेंड इज क्वाइट अपोजिट. ठीक है, और ऐसे ही अपोजिट का हमें मतलब क्या पता है कि कॉन्ट्रेरी, कोई चीज़ बिल्कुल ही उल्ट होनी. ठीक है, सो इवन दो बोथ ऑफ देम आर ट्विंस बट नेचर इज क्वाइट अपोजिट. ठीक है, नो डाउट दोनों ट्विंस हैं लेकिन उनके जो नेचर हैं आपस में वो बहुत ही अपोजिट, वो बहुत ही कॉन्ट्रेरी हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है दैट इज एमिकेबल एंड एमिएबल. एमिकेबल एंड एमिएबल को हम जनरली जो है वो सेम ही समझते हैं. एमिकेबल मतलब कोई चीज़ बहुत फ्रेंडली होनी. ठीक है, बहुत ही प्रेम के साथ होनी. ठीक है, और एमिएबल मतलब कोई चीज़ को बहुत ही प्यार करना या बहुत ही लवेबल कोई चीज़ होनी. सो सबसे पहले एमिकेबल का क्या बनेगा? फाइनली देयर डिस्कशन एंड्स इन एमिकेबल मैनर. बहुत ही फ्रेंडली मैनर में उनकी जो है डिस्कशन जो थी, वो लड़ाई जो जो भी थी वो ख़त्म हो गई. एंड एमिएबल का मतलब क्या है? लवेबल. सो यू कैन से दैट जॉन्स वाइफ इज क्वाइट एमिएबल अमंग हर किथ एंड किन्स. तो किथ एंड किन्स का मतलब क्या होता है? किथ एंड किन्स मतलब रिश्तेदार. ठीक है जी, सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज एंटीक एंड एंटिक. एंटीक का मतलब क्या होता है? हमें भी पता है एंटीक मतलब विच इज़ रिलेटेड टू एंशियंट टाइम, जो पुरानी चीज़ हो. ठीक है, सो द म्यूजियम वॉज फुल ऑफ एंटीक पीसेस. सो एंटीक है. एंटीक का मतलब क्या होता है? जिसको हम कह सकते हैं ट्रिक्स, कुछ डिफरेंट ट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, सो इसके लिए जो सेंटेंस बन सकता है दैट इज द एंटिक्स ऑफ जगलर रीगेल्ड द चिल्ड्रन. अब रीगेल्ड का मतलब क्या होता है? कि एंटरटेन करना. ठीक है, टू अम्यूज दैम. सो जगलर कौन होते हैं? जगलर बेसिकली कौन होते हैं? जो हवा में, जैसे आपने देखा होगा जो सर्कस में भी बॉल्स वगैरह या बॉटल्स को ऊपर नीचे करते हैं. ठीक है, एक वो अपनी बाकी बॉटल्स को हैंड में रखते हैं, एक हवा में होती है. ठीक है, सो कुछ इस तरह का होता है जगलर. तो हमने सेंटेंस क्या बनाया था? द एंटिक्स ऑफ जगलर रीगेल्ड द चाइल्ड. तो जो जगलर ने जो अपने ट्रिक्स दिखाई थी उससे जो है चिल्ड्रन बहुत ही खुश हुए. सो गाइज, दीज वर सम वर्ड्स, कुछ हारमोनियम्स थे जो मेरे को लगा कि आपको बताने चाहिए, विच आर यू नो क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत नॉलेज बढ़ाने वाले हारमोनियम्स थे. तो बस आज की वीडियो में इतना ही. वी विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. बाय बाय.